झजोड़ होने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं काला जठेड़ी की, जो फिलहाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। काला जठेड़ी पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में लगभग 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, फिरौती, रंगदारी हत्या जैसी की कोशिश जैसे तो कई मामले शामिल हैं। इश्क है, इंतकाम है, अपराध है और अब शहनाई गूंजने वाली है। ये कहानी है एक ऐसी शादी की जिसमें दूल्हा गैंगस्टर है और दुल्हन लेडी डॉन। 12 मार्च को कुख्यात गैंगस्टर बना संदीप उर्फ काला जठेड़ी की शादी होने जा रही है। जठेड़ी की शादी अनुराधा चौधरी से होने जा रही है। काला जठेड़ी फिलहाल दिल्ली जेल में बंद है। 2020 में हरियाणा पुलिस की गिरफ्त से फरार होने के बाद काला जठेड़ी की मुलाकात अनुराधा से हुई। अनुराधा की फराटेदार अंग्रेजी सुनकर वो उस पर फिदा हो गया और उसके साथ रहने लगा। अब इन दोनों की सालों से चल रही मोहब्बत शादी के रिश्ते में बनने जा रही है। काला जठेड़ी के जुर्म की कहानी 2004 से शुरू हुई, जब दिल्ली पुलिस ने इसको पहली बार मोबाइल झपटने के आरोप में गिरफ्तार किया था। देखते ही देखते झपटमारी से शुरू हुई जुर्म की कहानी हत्या, फिरौती, अपहरण तक पहुँच गयी। काला के ऊपर 30 से ज्यादा केस दर्ज हैं और उस पर मकोका भी लगा है। गैंगस्टर से गृहिणी बनी अनुराधा पिछले कुछ वक्त से काला जठेड़ी के परिवार में रहकर उसके बूढ़े माता पिता की सेवा कर रही है। कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट अनुराधा अब कानून की पढ़ाई कर रही है, जिससे वो काला जठेड़ी के कानून मसलों में उसकी मदद कर सके। बता दें कि काला जठेड़ी को शादी के लिए सिर्फ 6 घंटे की पैरोल मिली है। शादी होने के बाद काला जठेड़ी फिर से जेल चला जाएगा। हालांकि 13 मार्च गृह प्रवेश के लिए उसे दोबारा पैरोल दी गई है।